हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें स्टार्टिंग में ये समझना है कि किसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। कोई हमें इक्वेशन गिवन है या कोई हमें पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल ऐसा एक जनरल टर्म होता है, जैसे पॉलिनोमियल में जिसमें इसके नेम से क्लियर होता है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है ज़्यादा और नोमियल्स मतलब टर्म्स, जिसमें जैसे 2x + 3y, ये एक तरह से क्या होगा, इसमें वेरिएबल दो दो हो गए। अब जैसे सिर्फ एक सी हो, x का स्क्वायर हो जाए x² + 3, तो इसमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पहचाना, इसके डिग्री को देख करके। तो पहले तो हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा, उसकी क्या आइडेंटिटी होगी, या किसी इक्वेशन को हम लोग या एक्सप्रेशन को कब बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो उसको समझने के लिए दो कंडीशन होती है, कभी भी वेरिएबल उसका पावर, जैसे एक्स का पावर 1/2 ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर 1/3 ऐसे फ्रैक्शन में उसका पावर नहीं होना चाहिए। इस फ्रैक्शन में पावर का मतलब एक और चीज़ भी होता है, ये रूट में नहीं होना चाहिए या क्यूब रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरा 1/x, मतलब x का पावर यहाँ पे -1, यहाँ पे 1/x², यहाँ पे हो गया x का पावर, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो ये सब नहीं होना चाहिए, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल को सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यही होती है कि इसमें वेरिएबल का पावर जो है फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी उसकी आइडेंटिटी होती है किसी भी पॉलिनोमियल का। हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये हम लोग इसी के बेस पे डिसाइड करेंगे। तो उसका दो कंडीशन हो गया, जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में होने का मतलब होता है कि या तो क्यूब रूट, रूट क्या होता है, पहले तो जीरोज को समझेंगे। तो जीरोज का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले लिखता हूँ +1, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे पता चला, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसका ये डिग्री यही बताता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया 2x² + 3, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूब x³ हो जाए +5x, कुछ भी हो सकता है +2, ये हमारा। अब इसमें इसकी फाइनल डिग्री हमें ये चीज़ देखना, जैसे इसमें दो टर्म हो गया तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 3 है, तो हम लोग 3 को कंसीडर करेंगे, 1 को नहीं। ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसे बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता था, तो बाई क्वाड्रेटिक में x का पावर यहाँ पे 4 होगा +3x² + 4x + 2, कुछ भी इसमें हो सकता है, ये हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक। मेनली सिलेबस में ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक, इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा ये हमें पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये पॉलिनोमियल बहुत जगह पे यूज़ होते हैं ना। अब हम लोग समझते हैं कि जीरोज और पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे पहले लीनियर से समझ लेते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो इसके जीरोज का क्या मतलब होगा। जीरोज का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि इसका फाइनल इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए 2x + 1 = 0 करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2x = -1 और x = -1/2। यानी x = -1/2 यदि हमने इसमें पुट कर दिया तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, 2x + 1 2 × -1/2 और +1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 और ये +1, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे जीरो हो गए। इसका मतलब x के जगह पे उसको रखने से उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, इसलिए इसको जीरोज बोला जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे जीरोज। अब जीरोज ये तो प्लूरल फॉर्म है इसका, तो इसको बोलेंगे
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x+1। अब ये 2x+1 का क्या है, ये जीरोज है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जैसे एक ग्राफ हमें गिवन है, अब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है, एक जगह पे कट किया है, तो इसके जो जीरोज होंगे जीरोज वो वन होगा। फिर दूसरा हमें ग्राफ कोई गिवन है जिसमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, ये इसको पैराबोला बोलते हैं। आगे चल के इसको पढ़ना है कि ये किस तरीके से ये ग्राफ होता है। अब ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax2 + bx + c, और इसका ग्राफ होता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है वो a, और x का कोफिशेंट b, और कॉन्स्टेंट टर्म c होता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a है, तो a जब पॉजिटिव होता है, a ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड होता है, और a जब निगेटिव हो जाता है तो वही ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड हो जाता है। अब हमें ये समझना है ये x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम लोग जान भी रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है, तो ये इसके दो जीरोज होंगे, इस तरह से इसके भी दो हो जाएंगे, और यहाँ पे a लेस देन जीरो होता है। ये सब कंडीशन जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब 11th क्लास में आएगा तो वहाँ पे इसको पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना। ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू, इसमें भी 2 हो जाएगा। अब एक ग्राफ हम लोग बाई क्वाड्रेटिक और उसके क्यूबिक का हम लोग देखते हैं, तो क्यूबिक में क्या होगा, उसमें कटिंग पॉइंट उसके 3 हो जाएंगे। जैसे एक ग्राफ है, ये कितनी जगह पे कट करा, 1, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर हो सकता है एक ग्राफ ऐसा हो जाए, वो यहाँ से ऐसे जाए और ऐसे जा करके ऐसे चला जाए, तो ये कितनी जगह पे कट किया, 1, 2, 3, 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, लीनियर का हो गया, ये दोनों क्वाड्रेटिक के ग्राफ हो गए, और ये क्यूबिक का हो गया, और ये बाई क्वाड्रेटिक का हो सकता है। मतलब हमें ये समझना है कि इसके जीरोज 4 हो जाएंगे, ये जिस भी पॉलीनोमियल का ग्राफ होगा उसका जीरोज कितना हो जाएगा, 4, और ये जो जिसका भी होगा उसके जीरोज 3 हो जाएंगे, इन दोनों के जीरोज 2 होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये कट ही ना करे एक्स एक्सिस को, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये तो कट कर रहा है यहाँ पे, अब ये ऊपर में ऐसे ग्राफ हो गया, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर नहीं रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे 0 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ये 0 हो जाएंगे। जब कट नहीं करेगा तो जीरोज हो, उसके 0 हो जाएंगे, जब नीचे भी हो ऐसे, अब कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को तो उसके नंबर ऑफ जीरोज। अब जब सिर्फ टच करता है, एक ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ टच करेगा, तो इसके जीरोज तो 2 होते हैं बस, दोनों के दोनों जीरोज इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे कटिंग पॉइंट एक ही दिख रहा है, तो उसका एक ही जीरोज जीरोज होंगे 2, बट दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वल जीरोज का कंडीशन होता है। इसके कंडीशन को हम लोग क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में भी देखेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है हमारे पास, इसका क्या रिलेशन होगा इसके कोफिशियंट से, इसके कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे ए है, ये मैं लिख देता हूँ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए है, कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सी है। अब ए बी सी, इसमें हमें रिलेशन समझना है कि जीरोज में और इसमें क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, ये तो हमने ले ही लिया है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, मेनली हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में ही जानना है यहाँ पे।
तो इसके सम ऑफ रूट। अब रूट किसको बोलते हैं? तो जीरोज को रूट भी बोला जाता है, ये मैंने पहले नहीं बताया, जीरोज को हमें रूट भी बोलते हैं। तो सम ऑफ जीरोज लिखे या सम ऑफ रूट्स लिखे? सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट जो होते हैं या सम ऑफ जीरोज जो होता है इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें हो जाता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है? बी है, और ये माइनस आगे लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। और ये क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? सी है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। तो इस तरह से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इसमें रिलेशन, ये रिलेशन हो गया ना, ये रूट के अंदर और ये कोफिशियंट्स के अंदर क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ये कोफिशियंट का रेशियो के इक्वल होगा, और वो भी माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस होगा एक्स के कोफिशियंट में और नीचे होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस में ये सी अपॉन ए, इसमें माइनस नहीं लगता है। अब यहाँ पे एग्जांपल का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा उसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग मिडिलटन स्प्लिटिंग लगा करके इसके जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। मिडिलटन स्प्लिटिंग के बारे में 8th क्लास में भी था, 9th क्लास में भी था, और यहाँ भी है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके कोफिशियंट को और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। मिडिलटन स्प्लिटिंग फिर से मैं बता देता हूँ, इसके कोफिशियंट और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1 × 10 यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। अब इस 10 को इस तरीके से ब्रेक किया जाता है कि ये 7 के इक्वल आ जाए, तो इसको हम लोग 5 और 2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 5 प्लस 2 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं ना, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। अब ये x प्लस 5 यहाँ दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ से x प्लस 5 यहाँ कॉमन हो गया और ये x प्लस 2 हो गया। तो इस तरीके से अब जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ये इसके फैक्टर हुए। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करना है, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इस फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करना होगा। तो जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इस तरह से x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ हमें रूट डायरेक्टली मिल गया कि ये इसका माइनस 5 और माइनस 2 इसके रूट है, यानी इसके जीरोज है। तो सम ऑफ रूट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो सम ऑफ रूट हमें दिख रहा है माइनस 5 और प्लस माइनस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट या जीरोज दोनों हो सकता है, तो माइनस 5 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा 10। अब ये हो गया
हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है वो हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था सम ऑफ रूट का, सम ऑफ रूट का माइनस कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी यही तो फॉर्मूला देखा था, सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, 7 है, और ये माइनस, तो माइनस 7, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1, तो ये हो गया माइनस 7, और यही आया हुआ है जब हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ रूट निकाला है, तो यही आया है माइनस 7, यानी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके लिए कॉन्स्टेंट टर्म होता था, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 10 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो 1 है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10। तो ये तो वेरीफाइड हो गया, ये भी यहाँ पे 10 आया और ये भी यहाँ पे 10 आया, इसका मतलब हम लोगों ने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। तो इसमें ये चीज़ हुआ कि हमने डायरेक्टली पहले ये मैनुअली कैलकुलेट किया और उसके बाद, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप का है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप का है, जीरोज फाइंड आउट करना है फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए जिसमें बीच वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो इसमें भी सब सोचेंगे कि इसमें भी मिडिल टर्म लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 3 है, 3 की जगह पे हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल है ना, तो 0 के इक्वल थोड़ी होगा, ये इसके इक्वल आ गया। अब इसके बाद ए स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, पॉपुलर आइडेंटिटी है, और ये यहीं पे नहीं बहुत जगह पे लग ये इस आइडेंटिटी का यूज़ होता है, तो इसको याद रखना है अच्छे से। यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस रूट 3। अब यहाँ से जब इनके जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ से भी एक्स इक्वल टू ये माइनस रूट 3 और ये रूट 3 आ जाएगा। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सम ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं, ये मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, ये तो 0 हो गया, चलो 0 देख लिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ रूट जो हमने रिलेशनशिप देखा था कोफिशियंट्स और उसके बीच में, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट तो है नहीं और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 1 इक्वल टू ये 0 आ गया, यानी सम ऑफ रूट यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी ये 0 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, यहाँ पे आया है माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3, तो ये भी वेरीफाई हो गया, यहाँ पे ये भी माइनस 3 आया था, ये भी माइनस 3 आ गया, तो हम लोगों ने रिलेशनशिप इसके भी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसमें क्या होगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन होगा और हमसे पूछा जाएगा कि आप
पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडम एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही सम ऑफ रूट उसमें गिवन है, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोज गिवन है, इसमें 1/4 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट रूट हमें गिवन है 1/3। सम ऑफ रूट गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है 1/3। अब किस तरीके से उस क्वेश्चन को किया जाएगा और हमें फाइंड द पॉलिनोमियल या फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका होता है, या वहां पे पॉलिनोमियल भी हो सकता है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इक्वल टू जीरो करते हैं। यहाँ पे सम ऑफ रूट हमें गिवन है 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1/3। अब ये इक्वेशन नहीं हुआ, एक्चुअली में हुआ इक्वेशन तो यही, बट हमें ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहने देना, इसको इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और इधर जीरो में करेंगे, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 12 इंटू 1/4 एक्स प्लस 12 इंटू 1/3 इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, 4 से ये कट हो जाएगा 3 और ये कट हो जाएगा 4, तो माइनस 3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से इक्वेशन को फाइंड आउट किया जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हमने फिनिश कर लिया, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जो एग्जाम्पल में किया हमने वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। ये हमें गिवन है, इसका सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करना होगा। जीरोज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 हिडन है यहाँ पे और ये 8, तो 1 into 8 करेंगे, ये 8 होगा। अब 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो -2 के इक्वल हो जाए, तो क्या कर सकते हैं इसमें 4 और 2 कर सकते हैं, 4 into 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और हम लोगों को -2 यहाँ पे लाना है, तो 4 को यदि -2 रख दिए और 2 को +2 में रखें तो फिर इन दोनों को ऐड करने से -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ समझ आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें हमने सिर्फ ये -2x के जगह पे -4x प्लस 2 लिखा है। इसके बाद ये हो जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 और इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4। फिर इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो गया और यहाँ पे बच गया x और 2। अब इस तरीके से क्या इसका हमने जीरोज़ फाइंड आउट करना है, तो जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए x माइनस 4 इक्वल टू जीरो करेंगे, तो x इक्वल टू 4 आ गया, और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -2 आ गया। तो इसके दो जीरोज आ गए, एक 4 और एक -2। अब हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ रूट क्या है, इसमें रूट, एक रूट इसका क्या है 4 है और एक रूट -2 है, 4 -2
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टू। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे हो जाएगा 4 × -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। अब क्या करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला था वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। सम ऑफ रूट फॉर्मूला इसका था माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में था कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, 1 है, और एक्स का कोफिशियंट -2 है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो फॉर्मूला का माइनस और ये -2 है और अपॉन में 1। इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स की बात कर रहा है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, -2 है, तो इसमें हमने -2 रख दिया। यहाँ से ये हो गया 2, और हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट देखा था, ये भी 2 आया था, इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसमें देखते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, -8 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये -8, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। ये -8 यहाँ पर भी आया हुआ है और यही सेम यहाँ पे भी आ गया, तो हमने ये रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। तो इसमें क्वेश्चंस में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले नंबर में हमें उसके जीरोज़ को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ किए हैं, टर्म स्प्लिटिंग का हमने मेथड यूज़ किया, और इजिली हमने इसके जीरोज़ को फाइंड आउट कर लिया और हमने फिर वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s+1, इसमें भी वही सेम हमें काम करना है, सबसे पहले हमें जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं s² के कोफिशियंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 4 आया। अब इस 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये 4 ही हो जाए, -4 हो जाए, तो ये हमें दिमाग लगाना है कि क्या किया जाए। यहाँ पे 2 रख देते हैं और इंटू 2 करते हैं तो इजीली ये 4 हो जाएगा, बट हमें -4 लाना है सम करके, तो माइनस इसमें भी लगा दिया, माइनस इसमें भी लगा दिया, तो ये आराम से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -4s आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये तो रफ वर्क है, इसको दिखाना नहीं है वहाँ पे क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s+1, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा, s - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन होगा, इसमें हो जाएगा 2s, यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो 2s बचेगा ना, और इसमें 2s - 1, यहाँ से फिर 2s - 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें यहाँ पे 4s था और यहाँ पे 2s था, तो हमने 2s कॉमन लिया था तो यहाँ पे 2s तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ पर भी हो गया 2s - 1। अब हमें जीरोज़ फाइंड आउट करना है, तो जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए 2s - 1 = 0, तो s = यहाँ पे आ जाएगा 1s = आ गया 1/2। इसी तरीके से दूसरा वाला भी, इसमें तो दोनों सेम हो जाएगा, 2s - 1 = 0, तो s = इसमें भी 1/2 आ गया, तो यहाँ पे दोनों रूट इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रूट हो जाएगा। आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा उसमें हम लोग
विदाउट कैलकुलेशन हम लोग ये समझ पाएंगे, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रूट्स को, और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे उसमें डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि इसकी वैल्यू दोनों की, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं। अब हम लोग सम ऑफ रूट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखना है कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस फोर है, यहाँ से माइनस ये फॉर्मूला का और इसका माइनस फोर, और अपॉन फोर, यहाँ हो जाएगा फोर अपॉन फोर, कैंसिल आउट होकर के वन आ जाएगा, और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे सम ऑफ रूट वन आया हुआ है, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये फॉर्मूला हो जाता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नीचे में, इसमें भी नीचे में ही था और इसमें बस माइनस लगा हुआ था, और ये एक्स का कोफिशिएंट था, इसमें कांस्टेंट टर्म होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, वन है प्लस वन है, वन अपॉन इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स के जगह पे यहाँ पे वेरिएबल एस लिखा हुआ है, तो इसका फोर ये हो जाएगा, तो ये फोर हो जाएगा, तो ये 1/4 आ गया, और यहाँ पे ये भी 1/4 आया हुआ है, तो हमने इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चंस, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करना होगा, और जीरोज फाइंड आउट करने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई कर देना होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि इसमें हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम था, और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं पहले इसको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें हमें क्या, सीधे इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सीधे कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, u, और इसमें बच जाएगा 2। अब इसका फैक्टर यही हो गया। अब हम लोगों को जीरोज फाइंड आउट करना है, तो जीरोज के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से u इक्वल टू माइनस 2, एक रूट इसका हो गया 0 और एक हो गया माइनस 2, तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट, ये रूट मैनुअली होगा, इसमें 0 प्लस माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 आ गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो सीधे हमें दिख रहा है कि इसमें क्या होगा, एक 0 है और एक माइनस 2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो जाएगा, और ऐसे भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब हम लोग फॉर्मूला भी लगाएंगे तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो वो 0 ही आ जाएगा। अब हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं इसको भी, वेरीफाई करते हैं, इसमें भी सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही होगा सम ऑफ रूट, फॉर्मूला कहीं पे चेंज नहीं होगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, अब इस एक्स के जगह पे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यू है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है, कोफिशियंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 अपॉन 4 यहाँ कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 2, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 आया हुआ है सम ऑफ रूट, ये माइनस फॉर्मूले का लगेगा ना, इसलिए माइनस 2 आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस 2 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो यहां तक कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे ये 0 हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 हो जाएगा, तो नीचे में कुछ भी हो तो वो 0 ही कर देगा उसे, तो इसको भी रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग जितने टाइप के थे क्वेश्चंस, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो सब हमने फिनिश कर लिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होगा, तो हमें इक्वेशन फाइंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड में क्या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों गिवन है, और हम लोगों को यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये चीज, ये फॉर्मूला था हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ रूट हमें 1/4 गिवेन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 1 है। यहाँ से क्या करते हैं, ये 4 नीचे में है तो इसको हम लोगों को हटाना है, इसलिए दोनों साइड हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा, अब हम लोग 4 से इसमें भी और इसमें भी तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में मल्टीप्लाई तो इधर भी होगा, लेकिन इधर वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा वो। ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x रहेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाएगा, जिसका सम ऑफ रूट जो होगा 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा माइनस 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, इसमें सम ऑफ रूट हमें रूट 2 गिवेन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3 गिवेन है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट 2 है तो रूट 2 इंटू एक्स और ये प्लस 1/3 है, इसमें ये 3 नीचे में है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ रूट 0 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वही लिखा जाएगा, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें सम ऑफ रूट कितना है 0 है, तो इसमें 0 इंटू एक्स प्लस
अंडर रूट फाइव, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव इक्वल टू जीरो। अब यही इक्वेशन इसका हो जाएगा, इसमें सम ऑफ रूट जीरो था ना, तो जीरो था तो ये वाला टर्म गायब ही हो जाएगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ रूट वन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वन है, ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन होगा। सम ऑफ रूट, इसमें तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट गिवेन है वन बाई फोर या माइनस वन बाई फोर है, माइनस वन बाई फोर और प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है वन बाई फोर। यहाँ पे कैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वही लिखा जाएगा, सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, फॉर्मूला वही होगा बस, इसमें सम ऑफ रूट वन बाई फोर पुट करना है एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस, ये तो फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस वन बाई फोर है इंटू एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल टू जीरो। अब इसमें फोर नीचे में है दोनों में, तो इन दोनों का एलसीएम भी फोर ही होगा, तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फोर एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पॉलीनोमियल का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया। सेकंड पार्ट में हम लोग पॉलीनोमियल के डिवीज़न को देखेंगे और डिवीज़न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, किसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और उसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का भी यूज़ करके उसमें जी एक्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये वाला भी हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलीनोमियल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।